कोरोना दूरी बना के रखना, तुम्हारे साथ करेगा नहीं करेगा। तो क्या गली में चोरी हो गई है? नहीं, बैठ के यहाँ लड़कियाँ ताड़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर पैसा बहुत है, ऐसी थोड़ी देर में स्कॉर्पियो मिलेगी। चोरी हो गई है आज, देखो फिर से तेजू की दुकान देखो, वहाँ पे चूहा पाया गया अभी तार के होती है, उसको पंपी सेट बोलते पता है। वेलकम गाइस टू अनदर व्लॉग। आज एक और दिन, एक और नया व्लॉग, एक और नई व्लॉग की शुरुआत। तो आज फिलहाल यह गाइस मैं थोड़ा जल्दी उठ गया था, थोड़ा जब से गांव से आया ना तब से थोड़ा ना रूटीन जो है मेरा सेट हो गया है। तो मतलब सुबह मैं रिकॉर्डिंग के लिए जल्दी से जल्दी उठ ही जाता हूँ, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है मेरे को सुबह अपना कहते हैं उठने में, तो जल्दी उठ जाता हूँ। तो बस अब ये कि फटाक से चाय पीते हैं और कल का व्लॉग जल्दी से एडिट करेंगे, लाइव हो जाएगा थोड़ी देर में। आज कल का व्लॉग ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं मेरे को एडिट करने में, और मैं अपने गांव वाले सारे व्लॉग गाइस अभी एडिट करके आपको दिखाऊंगा, सारे व्लॉग एडिट करके डल जाएंगे जल्दी से जल्दी। बस अब चाय आ गई है, चाय नहीं सुबह पकौड़े बने हैं, तो चाय पकौड़ा खाऊंगा, व्लॉग एडिट करूंगा, मुंबई से निकल बाइक के व्लॉग के साथ अपना ब्रेकफास्ट अगेन स्टार्ट करूंगा। वही रूटीन मेरा दोबारा शेड्यूल हो चुका है। आज वेनसडे है, चार दिन बाद लॉकडाउन दिल्ली में पक्का खुलेगा, गारंटी है। इस बार हमारे कोई निराशा नहीं होगी। तो मिलते हैं जल्दी से, खाते हैं और मिलते हैं आपसे फिर से। सो नाउ गाइस टाइम टू लंच। वीडियो मैंने अपलोड कर दी, लैपटॉप थोड़ा भी बंद कर दिया मैंने, थोड़ा गर्मी में थोड़ा मस्त सा ठंडा सा हो जाए। तो सो गाइस अभी मैं खा रहा हूँ रायता और तोरी की सब्जी, चावल और रोटी, इसको खा के आज थोड़ा बहुत ब्लॉग देखेंगे। थोड़े दिन से ब्लॉग बहुत सारे मिसिंग थे लोगों के, और कुछ डाटा इसमें से ट्रांसफ़र करूँगा, इसी में टाइम निकल जाएगा। शाम को शायद दुकान तक जाऊँगा, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ पार्टी शार्टी चलेगी। और आज मैं नॉनवेज नहीं खा सकता बिकॉज आज पूर्णवासी है, घर वाले ने बोला अगर आज नॉनवेज खाया तो घर में घुसने नहीं देंगे तेरे को, तो बस अब यही खाना खाना पड़ेगा। आज भी बर्गर चाउमीन में पेट भरना पड़ेगा, कोई नहीं एक दिन और सही, दो दिन और सही, फिर परसों पालेंगे फिर से नॉनवेज। तो गाइस खाते हैं जल्दी, व्लॉग इन्जॉय करते हैं, ट्राईपोड को फ़ोन को लगाते हैं ट्राईपोड पर इस पर, और उसके बाद फिर मैं आराम से व्लॉग देखूंगा, इसको लगा के सेट करता हूँ। सो गाइस नाउ टाइम टू मैंगो शेक। और यार मेरा प्लान बना था जस्ट अभी एकदम से ना बाहर निकलने का फिर से, कि हमने फिर से एक और नए ट्रिप पे निकल रहे थे, लेकिन किसी कारणवश प्रोग्राम जो है कैंसिल हो गया। हम लोगों ने हरिद्वार तक का प्लान बनाया था कि हरिद्वार तक भी जा सकते हैं, ट्रेन चल रही है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा मन नहीं करा, थोड़ा घर वालों के कलेश के चक्कर में मैं जा नहीं पाया। चिल्ला रहे थे कि नहीं जाना हरिद्वार, अभी तो घूम के आए हो, कल फिर से नहीं निकलना, कह रहे एक हफ्ते बाद निकल जाना, अभी थोड़े दिन तो घर में रहो। तो देखते हैं अगले हफ्ते तो दिल्ली में लॉकडाउन पक्का खुल जाएगा, उसके बाद एक दो महीने बाद फिर ट्रिप बनेगा। अब सीधा लंबा ट्रिप बनेगा, जो बनेगा 10-15 दिन का, 2-3 महीने बाद, उससे पहले कोई ट्रिप नहीं। अब मैंगो शेक पियेंगे, वीडियो एडिट करने बैठता हूँ दोबारा से, जितने भी गाँव वाली सीरीज सारी एडिट कर दूंगा किसी न किसी तरह। तो चलते हैं शाम को, शायद देखते हैं कहाँ तक क्या करना है, क्या चीज़ गिरा होगा उसमें, नहीं कुछ नहीं है। तो पीते हैं मैंगो शेक गाँव के बाद से, अभी यहीं मैंगो शेक पीने को मिल रहा है हमारे को। वेरी सैड। सो गाइज फाइनली टाइम टू मैगी, अब मैगी खाने का टाइम हो गया। मैं दोपहर में यार सो गया था यार, और टाइम अपना 6:30 हो गया। चलो अब कहीं बाहर कुछ निकलते हैं, खाते पीते हैं, आज बहुत दिन से बाहर नहीं निकले, दिल्ली की हवा नहीं खाई है, तो अब चलते हैं जरा बाहर, ज़रा घूम के आते हैं, मैगी खा लें बस फटाक से। उसके बाद मैगी देखने में तो अच्छी लगती है, खाने के बाद पता चलेगा कैसी है, कहीं बेकार ना बनी हो। सो फाइनली गाइज स्टेटस ये है कि ज़रा एक बार होके आते हैं दुकान तक, आज मेरे को हो गए हफ्ता भर से ऊपर दुकान की शक्ल देखे हुए, तो एक बार देखते रहना चाहिए यार कि क्या हिसाब किताब है वहाँ पे, सब कुछ ठीक भी है नहीं है। तो बाइक देख रहे हो यार फिर से पूरी की पूरी ऐसे गंदी खड़ी हुई है यार, एवेटर यहाँ खड़ी तो है, एवेटर चले के जानी है ना। हाँ सगा इस बड़े दिनों बाद ही मैकेनिक से भाई है गाड़ी, एवेटर आपको दिख नहीं रहा, अभी दिखाता हूँ जरा एक मिनट। गाइस ये रही मेरे पास एक स्कूटी है मेरी, बड़े दिन से मैकेनिक के पास खड़ी हुई थी लॉकडाउन से पहले की, तो मैंने कहा यार इसको जरा एक बार चला के देखते हैं आज कि उसने ठीक करके दी या नहीं दी, इसको निकालते हैं जरा आज, एवेटर को मेरी एवेटर है, उसको ले चलता हूँ बाहर अब जरा फटाक से। और मोनू कैसे बड़े दिन बाद मिल रहे हो? मेरा भाई मेरे को चला रहा है। बड़े दिन बाद मिल रहे हो? मैं कानपुर थोड़ी गया था, मैं तो इलाहाबाद गया था। कोरोना दूरी बना के रखना, तुम्हारे से कुछ खाएंगे नहीं हम, मास्क का काम तो तुम्हारा धड़ल्ले से चल रहा है, पैसा तो खूब छाप रहे हो तुम, मोटा ही कहीं नहीं चल रहा, सामने वाला प्लॉट बंद पड़ा हुआ है। सभी कहाँ चोरी हो गई है? तो क्या गली में चोरी हो गई है? किसके यहाँ चोरी हुई है? सभी फाइनली गाइस मैं और शैवी जा रहे थे पेट्रोल पंप देख रहे थे, उसके अंदर बिल्कुल भी जरा सा भी तेल नहीं है, एकदम खत्म हो गया। तो शैवी मैं आया, मैंने कहा शैवी चल पहले तेल डलवा के आते हैं, उसके बाद कुछ खाने का जुगाड़ देंगे। शैवी कुछ खुल रहा है यहाँ पे? नहीं खुल रहा, सब खुल रहा है। चाउमीन वाउमीन मिलेगी कुछ अच्छे से, स्प्रिंग रोल, चिली पटेटो, ये सब मिल रहे हैं? गाइस आज जाएंगे बहुत दिनों बाद गाँव के बाद, अब निकले हैं, कल भी हमने एक बर्गर पाड़ा था, लेकिन आज एक और कुछ खाएंगे नया फ्रेश सा, और आपको भी दिखाएंगे। रोड पर एकदम वही रोज की तरह चहल पहल, रोजाना से ज़्यादा ही दिख रही है अब तो चहल पहल, पहले इतनी दिखती भी नहीं थी, अब तो रोजाना से ज़्यादा चहल पहल दिख रही है। तो मैं भी अब कल से सोच रहा हूँ अपना दुकान थोड़ा थोड़ा ओपन करूँगा यार,
तभी कहानी बनेगी। अब गांव चले गए थे, इस चक्कर में रुक गए थे, लेकिन अब अरे शैवी आराम से गड्ढा आ गया गाइस, बहुत ज़्यादा देख सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल जोजिला पास की तरह यहाँ पे ऑफ रोडिंग हो रही है। पीसीआर भी खड़ी है, पीसीआर वो तो जा रही है, खड़ी नहीं है शैवी। तो चलो पेट्रोल डलवाते हैं इसके अंदर फिर फटाक से। फाइनली गाइस देख सकते हैं छपरी निपा दोबारा हमारे को मिल चुकी है अपनी बाइक पे। छपरी निपा करते हुए नाम चेंज करते तू। हम यहाँ पे गाइस स्प्रिंग रोल लेने आए थे, स्प्रिंग रोल हमारे को मिले नहीं, और ये छपरी निपा यहाँ पे अपने बैठ के यहाँ लड़कियाँ ताड़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। मोमोज खाने आए हैं, कोई लड़की वड़की नहीं ताड़ने आए, पता चल रहा है बैठ के क्या कर रहे हो तुम इतनी देर से, मोमोज खा रहे हो लड़की ताड़ रहे हो, मोमोज लेने गया वहाँ से, पता चल रहा है। फाइनली गाइस निशु बाय बाय, कल मिलते हैं तुम्हारे से, और शैवी भी अपने घर जाता हुआ, मैं भी अपने घर जाता हुआ, टाइम हो चुका है, और तेजू कैसे जाएगा और मिल लेते हैं हम अंदर डब्बू पे बैठेंगे। हो गया आपका गांव का टूर, हो गया पूरा मेरा गांव का टूर पूरा हो गया। तुम उसमें कपड़े उतार उतार के होती मैं उसको पंपी शेड बोलते, पता है तुम? पंपी शेड नहीं, उसे ट्यूबवेल बोलते हैं, ट्यूबवेल बोलते हैं, पंपी शेड भी बोलते हैं, किसी गांव वाला बंदा होगा ना उससे पूछना फोन करके। अच्छा ठीक है, अब क्या क्या हिसाब किताब है फिर? ऐसा वो कौन सी लोकल जो ट्रेन में गए थे, राजधानी पकड़े? लोकल नहीं है वो, वहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रेन जाती है, थर्ड टायर सेकंड टायर एसी था, 1800 रुपए की एक टिकट थी, सारी गद्दियां फटी हुई थी, ना ना 1800 रुपए की टिकट थी, इतनी बढ़िया ट्रेन थी, टाइम राइट टाइम चल रही थी, टाइम से पहले चले जाओ। हमारे दल तो जाती है ना बनारस, आपको स्लीपर दिखाऊंगा क्या, वीआईपी होती है। अरे तो वहाँ उस तरह उस वाले रूट पे सिर्फ यही ट्रेन चलती है ना, समस्या ये है। गांव चेंज कर दो भाई फिर। और काम धंधा कैसे चल रहा है आपका? बस बढ़िया चल रहा है, लॉकडाउन में कुछ नहीं है, उधार वाले बहुत सारे आएंगे, उधार वाले तो देते ही नहीं है पैसा, फिर भीड़ लगाने वाले ज्यादा है, चलान दबा के कट रहे हैं, चलान कल से सोच रहा हूँ मैं भी स्टार्ट करूँ यार अभी। देखो फिर से तेजू भाई दुकान, देखो वहाँ पे चूहा पाया गया, अभी देखो तेजू भाई वहाँ पे दिखाएंगे, तेजू भाई दिखाओ जल्दी से दिखाओ, मैंने दिखाया फिर से, देखो चूहा निकल रहा है, देखो अभी देखना गाइस निकल के जाएगा, निकला अभी नहीं निकला, निकल गया, चलो बढ़िया, कोई नहीं अपना, कोई नहीं ऐसा होता रहता है। और ये चूहे ये कहाँ खाएंगे? यही खाएंगे आपके पास, और कहाँ खाएंगे? खाएंगे ठग्गू की दुकान ने बंद कर रखी है अभी, नहीं तो उसमें है हमारे, खा रहे हैं हमारा माल पानी खूब सारा खा के निपटा चुके हैं। भाई क्या है, 84 रुपए पैसा बहुत है, ऐसी थोड़ी देर में 84 रुपए मिलेगी। गाइस फाइनली हम लोग आज ये खा रहे हैं, ये क्या चीज़ आ गई, मैं तो सिर्फ हाफ चनी चिली पोटैटो बुक कर रहे थे, ये क्या आ गया, मोमोस, सो मोमोस कहाँ से आ गए, मैं तो सिर्फ चिली पोटैटो के पैसे दे के आया हूँ गाइस, व्हाट द हेल, अरे ये क्या सीन है, और ये क्या है, ओपन करा जाए, इसके अंदर क्या आ गया, मोमोज के तो पैसे ही नहीं दिए, चिल्ली पोटैटो के पैसे दिए थे, और एक न्योनीस आ गई, दो न्योनीस आनी चाहिए थी, और दो लाल चटनी की जगह एक चाल चटनी आ गई यार, कोई नहीं, लेकिन ये क्या चीज़ आ गई, अरे ये क्या चीज़ है, चिल्ली पोटैटो, हनी बोले थे तो स्पाइसी लग रहे हैं मेरे को, हनी में तो वो होती है ना डॉटेड होते हैं ना, सही है, चलो कोई नहीं गाइस ये आज खाते हैं, फिर उसके बाद हम मिलते हैं, टेस्ट करके बताते हैं आपको कैसे थे ये चिली पोटैटो। गाइस बहुत ही बढ़िया है मोमोज, हम लोग उसके अंदर ये लगा रहे हैं पहले चिली पोटैटो की, फिर ग्रेवी लगा रहे हैं न्यूनिस के साथ, और बहुत बढ़िया लग रहा है, मज़ेदार है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा है, और अब चिली पोटैटो खा बताता हूँ आपको कैसे हैं चिली पोटैटो। हाँ एक नंबर, मज़ा ही आ गया, तो फ्राइज से सारा चीज़ खत्म करते हैं और फिर आपको मिलते हैं, बहुत ही बढ़िया बने हैं, कुछ भी कहो मज़ा, बस थोड़ा सा स्पाइसी हो गए हैं ज़्यादा है चिली पोटैटो, लेकिन मोमोज तो एक नंबर है, चिली पोटैटो बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, मैंने हनी बोलता लेकिन थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा हो गया, क्योंकि मैं मिर्ची खाता नहीं बिल्कुल भी, लेकिन अच्छे बने हैं जो भी है, मज़ा आ गया।